मैं हूं शमसुद्दीन वारसी। इस वक्त हमें विधायक जाहिद बेग के आवास पे, जो लोकप्रिय विधायक हैं, आइए जानते हैं कि चूंकि जिस तरह से अभी 2017 का चुनाव हुआ है और जनता ने जो सम्मान दिया है जनाब जाहिद जमाल बेग को, आइए जानते हैं कि जाहिद बेग अपने जुबान से जनता को किस तरह शुक्रिया अदा करते हैं। जाहिद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपने अपना वक्त दिया। इस वक्त जो माहौल चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भदोही के लोगों को धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो 72,000 वोट हमको मिला और इसके लिए लोग अपने जिस तरह लोग चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किए और हर चीज़ के इस्तेमाल किए, हर भाषा का इस्तेमाल किए, इसके बावजूद 72,000 से ज़्यादा वोट हमको मिले, इसके लिए भदोही के लोगों को धन्यवाद। सारे लोगों ने हमको वोट दिया, सारे जात के लोगों ने वोट दिया। लेकिन चूंकि जो हमने काम किया 5 सालों में, ये भदोही की जनता से कोई छिपा नहीं है, चाहे भदोही दुर्गागंज मार्ग हो, चाहे भदोही से बाबापुर फोर लेन हो, चाहे भदोही से मिर्ज़ापुर फोर लेन बन रहा है, भदोही से गोपियन मार्ग हो, एक्को मार्ट रहा हो, भदोही में ओवर ब्रिज दो बन रहे हैं, अस्पताल बन रहा है, रोडवेज अब तक जिला घोषणाओं के बाद अब तक नहीं बना, वो बन रहा है, इसके अलावा बहुत से काम संपर्क मार्ग बन रहे हैं। भदोही का नाम बदल दिया गया था, हमने माननीय व्यापारियों की मांग से वापस हुआ, ये सारे काम भदोही में हुए हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीते हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से जनता को बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए, और ये उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भदोही से दुर्गागढ़ मार्ग 2 लेन बनवाया है, सुंदरीकरण कराया है, हो सकता है 4 लेन बनवा दें। सूर्याओ में जाम की समस्या लगी हुई है, मैं चाहूँगा वहाँ पे हमारी कोई घोषणा पत्र में भी था, सरकार बनती है तो मैं उसको सूर्याओं भी ओवर ब्रिज बनाऊँगा। 132 KV का भदोही में सब स्टेशन के लिए प्रस्ताव था, जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई थी, हो सकता है सूर्याओं में ओवर ब्रिज बनवा सब स्टेशन बनवा दें। कमानी स्पे का ठहराव के लिए बहुत दिन से मांग चल रही है, आंदोलन चल रहा है, आज दोनों प्रदेश में भी उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको विधायक बनाया है। और 2012 में जो हमको मिला था भदोही विधानसभा, 2017 में जो हमने काम किया है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक को इससे अच्छा काम जनता को मिलना चाहिए, हो सकता है उसमें कुछ हमारी कमी रही हो। उम्मीद है कि नए विधायक हैं, बात तो बहुत किया है उन्होंने, उनके पार्टी लोगों ने जो भी योजना है, जो भी प्रदेश की उनकी पार्टी घोषणा पत्र है, जो भी प्रधानमंत्री घोषणा किया है, उस सारे को पूरा करना चाहिए, सारी योजनाओं को पूरा करना चाहिए। विधायक जी, अगर विकास की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने 5 सालों में पूरे शहर का कायाकल्प किया है, जो लोगों से उम्मीद से बहुत दूर था कि ये शायद नहीं हो पाएगा, आपने किया है, जनता को क्या लगता है कि विकास के नाम पे? देखिए, प्रदेश की जनता भोली भाली जनता है, कभी कभी काम कोई करता है और भावनात्मक भाषण सुन के, जज्बात में आके, झूठे वादे करके लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। 5 साल हमने काम किया है, हमने क्या किया है किसी छिपा नहीं है, जनता के बीच सदैव हमें उपस्थित रहा हूँ, चाहे कोई त्यौहार रहा हो, चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो, चाहे मुसलमान का त्यौहार रहा हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, मैं सदा एक आम आदमी की तरह लोगों के बीच रहा हूँ।
सबसे बड़ी बात है, मैं चुनाव हारने के बाद भी लोगों के दिलों में दर्द है, और जिन लोगों ने वोट दिया उनके अंदर भी आंसू है, और जिन लोगों ने नहीं दिया था और परिणाम आने के बाद आज से उनके अंदर कहीं नहीं झलक रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ कि लोगों में लग रहा है कहीं कोई गलतियाँ हो गई हैं। लेकिन ये लोकतंत्र की प्रतिक्रिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकायदे में लोग आ जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, झूठे नारे में आ जाते हैं, तो जो वादा उन लोगों ने किया उसको उम्मीद है वो पूरा करेंगे। बताइए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में विकास हुआ है, अगर हम हिंदुस्तान की राजनीति की बात करूं कि विकास के मुद्दे पे हमेशा लोगों ने अपना मतदान किया है, ऐसी क्या वजह हुई 2014 की अगर हम बात करें या 2017 की बात करें, तो विकास को दरकिनार करते हुए ये जात और धर्म के नाम पे लोग? देखिए, धर्म के नाम पे तो नहीं कह सकते वोट पड़ा है। हाँ, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के जिस स्तर तक उन्होंने भाषण दिया, ये स्तर प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता, देश के प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता। हर चीज, हर भाषा की एक सीमा होती है, और जब देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, विधायक मंत्री बन जाता है, वो सबका होता है। जब एक देश का प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करें, और दीपावली और रमजान की बिजली की बात करें, तो आप सोच समझते हैं जब प्रधानमंत्री का ये भाषण आम जनता के बीच हो सकता है, तो उनके लोग किस तरह लोगों को बलगाए होंगे कि भावनात्मक देश है, भावनाओं में लोग बह जाते हैं कभी कदार, और लेकिन बहुत दिन तक ये चीज चलती नहीं है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्या लगता है कि या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के पास अपना जनाधार है? देखिए, जहां तक जनाधार की बात है, समाजवादी पार्टी के पास आप देखते हैं जनाधार आज भी है। जब सर्वे हुआ था उसमें ज़्यादा संख्या 50% से ऊपर लोग चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने, और भाषणों में भीड़ भी आई, लेकिन जिस तरह से परिणाम आया है, जनता खुद चकित है, और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आखिर चुनाव से पहले 300 के पार भारतीय जनता पार्टी लोग कह रहे थे, मीडिया भी कह रही थी 200 के अंदर लोग रहेंगे, ये परिणाम आया है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। आज पब्लिक में जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन वो भी चकित है कि ये जो परिणाम आया इससे आम जनता चकित है कि इस तरह के कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई माहौल नहीं था। जब राम मंदिर का मुद्दा था उस वक्त भी इतना अच्छा परिणाम नहीं आया था। आज तो चकती चौराहों पे जब चुनाव से पहले प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर भी माननीय मुख्यमंत्री जी लोग तारीफ कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, अच्छा काम हो रहा था, जनता बोल रही थी, छात्र बोल रहे थे, कहीं कोई मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई संशय नहीं था। लोग चाहते थे कि दोबारा मुख्यमंत्री बने माननीय अखिलेश यादव जी, ताकि प्रदेश का विकास रहे। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक संदेह उत्पन्न है, और सही या गलत है जो भी हो, जो मशीन पे संदेह हुआ है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक पीड़ा है। अगर हम अंतर कलह की बात करें, कहीं न कहीं ये कमी तो नहीं लगी कि परिवारवाद के वजह से जिस तरीके से चीजें हुई उसका तो असर तो नहीं रहा चुनाव में? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है,
जनता ऐसे कोई बात होती है तो होती तो सर्वे जो आया था शुरू में, और जिस तरह मुख्यमंत्री की सभाओं में भीड़ उमड़ती थी, जहाँ देश का प्रधानमंत्री अपने पार्लियामेंट में 3 दिन रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जनता माननीय मुख्यमंत्री को चाहती थी। इसमें कोई वो नहीं था, इसमें कोई परिवार है, इसके बड़ा परिवार होता है, थोड़ा बहुत टिकट को बंटवारे लेकर तो चलता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है उसका। नहीं, अगर हम अंतर कलह की बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री जो परिवार का ही हिस्सा है, उन्होंने कहा कि अहंकार खा गया। कभी कभी लोग बोल जाते हैं, लेकिन बाद में चाहे मीडिया के माध्यम मीडिया बुला देती हो, चाहे बोल देते हैं, उसका सुधार भी उन्होंने किया दूसरे दिन ही। विधायक जी, क्या लगता है कि चूंकि पार्टी जिस तरह से पूरे प्रदेश में चुनाव हार गई है, अब 5 सालों में किस तरह की पार्टी काम करेगी? शुरू हुआ 5 सालों में नहीं, हम लोग 6 महीना 1 साल इंतजार करेंगे, और हम लोग तो संघर्षों की राजनीति किए हैं और हमेशा पब्लिक के बीच रहकर संघर्ष किया गया है और जनता के बीच काम किया जाएगा। 5 साल विकास का किए हैं, 5 साल जनता के बीच रहकर संघर्ष किया जाएगा, मुद्दे पे सेवा की जाएगी। आप देखिए, बहुत जल्दी जनता सामने ला देगी इनकी जो वादा किया है, जो किसानों के वादा किया है, छात्रों से वादा किया है, और जो मुद्दे इनके थे, आज केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है, बहुत से मंत्री को लेकर इन्होंने वादे किए हैं, आज जाए जाता है, आज तो ठर बहुमत है प्रदेश में भी केंद्र में भी, या तो उसको ये उनको बंद कर देना चाहिए मुद्दे को, या तो उनको पूरा कर देना चाहिए। जनता की भावनाओं से खेलने का हक नहीं है इनको, और जो वादा किया है जनता के बीच वादा किया है, इनको आज पूरा करना चाहिए, नहीं तो बाद में जनता से माफी मांगना चाहिए, ऐसा मुद्दा हम नहीं उठाएंगे। अगर हम भदोही विधानसभा की बात करें तो जिस तरह से भदोही विधानसभा की जनता ने एक, जैसे होता है कि एक दीवानगी थी आपके लिए, और जैसे एक लोकल चुनाव चेयरमैन ही और सभा सदीक होता है, उस तरह से निकल के लोगों ने आपका सपोर्ट किया और वोट किया, क्या कहेंगे ऐसे जनता को? मैंने पहले भी कहा कि उसके लिए मैं लोगों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी मैं हमको प्रमाण पत्र विधानसभा जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जनता के दिलों पे मैं आज भी हूँ और रहूँगा, और कभी उनकी भावनाओं को से ठेस नहीं पहुँचेगी। मैं विधायक हूँ या नहीं हूँ, और जो भी उनके लिए काम करना होगा उनके दुख और सुख में, और विधायक न रहते हुए भी इतना ऐसा नहीं है कि मैं, हमारे पास ताकत नहीं है, पावर नहीं है, विधायक पूर्व विधायक का मोहल लगा हुआ है, यहाँ से लेकर लखनऊ तक भदोही के लिए मैं संघर्ष करूँगा, काम करूँगा। और कभी अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर मुद्दे पे, हर मुश्किल में, हर अच्छे दिनों में, हर बुरे दिनों में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। विधायक जी, अगर हम जो हार क्या कहा जाए, कि जैसे आप किस्मत की बात कहा जाए कि 1105 वोटों से जो आप कम मिला आपको, तो कहीं कहीं जो जिस तरीके से, चूंकि आपको हमेशा देखा जाता है कि आप जमीनी नेता हैं, हमेशा आपने संघर्ष किया है और कई चुनाव आपने देखा है, तो जो समाज में जो रिमर था कि जाहिद बेग के साथ कुछ लोगों ने उल्टे सीधे काम किए, उसका रिएक्शन नहीं हुआ कि कुछ बाहर पब्लिक में कुछ अलग तरह का माहौल हो गया था, तो इसको क्या कहेंगे अपने प्रति जनता के लिए? देखिए, चूंकि हम लोग अपना चार्ट बना रहे थे, उसमें 200 कुछ वोट से हमारा बढ़ती, बाद में सरकारी चार्ट बना तो उसमें 250 आया, लेकिन चूंकि लोगों ने लगा कि हमने उनको वोट दिया है, अब कहीं से कोई संशय नहीं था चुनाव परिणाम में, और पब्लिक को लगा, मैंने पहले ही बताया कि लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि चुनाव में हार जाऊंगा, और उसके भावना के विपरीत परिणाम आया, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा है, गुस्सा होता है, और चूंकि मैंने भी लोगों से अपने भावना और जनता से कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, पार्टी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परिणाम आते हैं जाते हैं, चुनाव फिर आने वाला है,
और सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे और उम्मीद है आगे बेहतर होगा। इतने कम अंतर से आपने चुनाव हार गए, कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ आपको? तकलीफ तो हमको तो कहिए, हम लोग तो चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, जीते हैं, जनता को तकलीफ है। मैं जब निकला हूँ क्षेत्र में चुनाव के परिणाम के दूसरे दिन, मैनाटी में मुसलमानों में गया हूँ, यादव में गया हूँ, अदर बैकवर्ड में गया हूँ, होली लोगों ने जिस तरह से मनानी चाहिए भदोही के अंदर, लोग होली तक नहीं मनाए, हम जाके लोगों से मिले हैं, उनको उत्साह है, तब जाके लोग निकले हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर गम तो ये है कि चूँकि 5 साल मैं उनके बीच रहा हूँ, एज ए कार्यकर्ता के बीच रहा हूँ, 5 साल तक मैंने जो काम किया है, तो अब जाहिर सी बात है कि लोगों को ठेस पहुँचेगी, तकलीफ तो हुई है लोगों को, हमको तो कम, जनता को ज़्यादा हुई है। जिस तरह से आपको लोगों ने प्यार दिया, क्या लगता है कि हर एक एक शख्स आपको चाहता है पूरे भदोही का, चाहे किसी जात का? इस बार हर जात और धर्म से उठकर लोगों ने वोट दिया, ऐसा नहीं है कि किसी ने वोट दे दिया, कम बेसी हर जात के लोगों ने वोट दिया, हर धर्म के लोगों ने वोट दिया, और उनकी देन थी। आज जो जिस तरह के और जगहों पे परिणाम आए, मैं सिर्फ 1000 से कम अंतर से चुनाव हारा हूँ, और ये दर्शाता है कि लोगों को दिल में जगह ही है। मैंने पिछला चुनाव देखा था विधायक जी कि आप करीब करीब बाहर से दुर्गाजन, सुरियावा मोड़ और चौरी आप एक लीड कर रहे थे, भदोही में आकर कहीं ना कहीं कुछ कमी रहा हो, क्या इस चुनाव में भदोही के लोगों ने उस कमी को पूरा किया है? नहीं, भदोही के लोगों ने पूरा किया है, देहात के लोगों ने भी वोट दिया है, उत्साह ज़्यादा था इस बार अपने लोगों में, बेस वोटों में, और लोगों देहातों में उत्साह था, उसी के दिन 72,000 वोट हम पाए हैं, और बहुत कम है कि 72,000 वोट पाकर लोग चुनाव हारे हों, उसी दिन थी काम का लगभग 78,000 वोट पाए हैं उसी दिन चुनाव हारे हैं, तो उनका प्यार तो ये है। और जहाँ पैसा बट रहा हो, जहाँ खुली थैली हो, दोनों लोग पैसा बांट रहे हों, या कोई छिपा नहीं है, यहाँ लोग हमारे लिए अपनी गाड़ी अपनी व्यवस्था से लोग चल रहे थे, ये तो कहीं ना कहीं जनता के बीच रहने का ही परिणाम है ना कि आज मैं खड़ा हूँ। जाहिद बेग जैसा विधायक जो कभी पैसे और चीज बांटने में विश्वास नहीं रखता, वो अपने कर्म अपने काम से लोगों को दिलों पर राज करता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो जो पैसा दूसरे लोगों ने बांटा कहा तो नहीं जा सकता, क्या उसका असर रहा है? देखिए, पैसा बांटा होगा, लोगों ने पैसा लिया भी होगा, जो ही नहीं कि पैसा लेकर लोग वोट दें, ऐसा होता तो आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ नहीं पहुँचता। और चूंकि भावनात्मक कभी कभी लोग में आ जाते हैं, झूठे वादे में आ जाते हैं, बाका में आ जाते हैं, कुछ लोग करते रहे लेकिन झूठी वादे में लोग चले जाते हैं, तो परिणाम आ जाता है, कभी कभी भी परिणाम आ जाता है, उससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, न कमजोर होने वाले हैं। मतलब विधानसभा अगर थोड़ा सा और मेहनत कर दिया था तो हो सकता है कि आपके सर, अगर ये मालूम होता कि हम 900 वोट से हारेंगे तो लोग खुद खुद लोग निकल जाते, कहीं संशय नहीं था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, लोगों को ये पूरा उम्मीद था, लोग पूरा उम्मीद था पूरा चुनाव जीत जाएंगे, अगर ये मालूम होता कि मैं 900 वोट से कम पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये नौबत ना आती। नहीं, लोगों को तो ये उम्मीद थी कि भदोही विधायक लगभग 25,000 से 30,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन जो लहर मोदी लहर चली, क्या कहीं ना कहीं उसका ये असर रहा कि आप बिल्कुल खड़े होकर के ताव से लड़े और 1,105 वोट से ये हार कोई हार नहीं थी विधायक की? अब उसको लहर कह लीजिए, मोदी लहर तो नहीं कह सकते, बल्कि मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ये बात बोले कि शमशान और कब्रिस्तान की बात करें, रोजा और दीपावली की बात करें, तो जाहिर सी बात है उसको लहर नहीं कह सकता,
कुछ और कह सकते हैं, किस तरह का भाषण, हमें नहीं लगता कहीं किसी देश का प्रधानमंत्री करता हो लोकतंत्र में। नहीं, इस बात को तो मानना होगा विधायक जी कि जिस तरह से उन्होंने वाराणसी में 3 दिन बैठ करके सारी चीजों को किया, इसका कहीं ना कहीं असर रहा। जब देश का प्रधानमंत्री 3-3 दिन एक जिले में टिका हो तो जाहिर सी बात है अमला है, भावना है, बहुत सी चीज होती है, उसका फर्क तो पड़ जाता है। होली का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? पहले भी मैंने कहा होली की शुभकामना मैंने जाके दिया लोगों को। मैं पहले ही दिन होली के दिन मैं जनता के बीच होली खेलता था। उस दिन अब जनता ने खुद देखा होगा, हमने नहीं मालूम कि जो लोग आए कि नहीं आए, लेकिन मैंने कभी महसूस होने नहीं दिया कि होली दीपावली ईद कोई फर्क मैंने नहीं समझा, अन्ना मैं आगे समझ दूंगा। लोगों का जिन लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है उनके विश्वास को कभी मैं टूटे नहीं दूंगा। जो कल का जाहिद था आज भी उसी कलेवर में जाहिद रहेगा, उसमें कोई और उससे मजबूती से मैं खड़ा रहूंगा। क्योंकि मैं देखा घर से निकलने के बाद कल से मैं टहल रहा हूँ क्षेत्र में, लोगों की भावना और बढ़ गई हमारे प्रति। इतना कम वोट से हारने के बाद लोगों का रुझान कम नहीं हुआ बल्कि ज्यादा है, और उसको मैं कम होने नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।